इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर हम प्रतीक के भाई हैं, कहाँ है वो, क्या हम उससे मिल सकते हैं? वो लॉकअप में जाइए, मिलिए। प्रतीक, सुधीर भैया, रोशन भैया, ये क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब? भैया मुझे माफ कर दीजिए भैया, पता नहीं कैसे हो गया। शराब पीकर गाड़ी चलाता है, दिमाग खराब हो गया था क्या? भैया मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो दोस्तों की बात हो आकर मैंने शराब पी ली भैया। कोई दूध पीता बच्चा है तू? हाउ कुड यू प्रतीक? एनीवे चुप हो जा अभी। अच्छा ठीक है, अब शांत हो जा, हम सीनियर ऑफिसर से बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। रियली सॉरी भैया, मुझे पता ही नहीं चला गाड़ी कैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। अब देखना यह कि आगे क्या करना है। तू चिंता मत कर, हम कुछ करते हैं। सुधीर लेट्स गो। ओके भैया। यही लोग हैं उनके रिश्तेदार, मारो इनको, चल रहा हूं। ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ कोई शोर शराबा नहीं करने का, कोई हंगामा नहीं करने का। हमें इंसाफ चाहिए साहब, उस आदमी को छोड़ना नहीं। साहब इस आदमी ने हमारे भाई के ऊपर गाड़ी चलाई, उस आदमी को निकालिए साहब आप। हम किसी को बाहर नहीं छोड़ रहे हैं, समझे? तुम लोगों को इंसाफ मिलेगा, अब यहाँ से जाओ। नहीं हम नहीं जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब मेरा भाई ऐसा नहीं है, प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए, अनजाने में। देखिए मैं कुछ नहीं कर सकता, भले साहब आते होंगे, आप उनसे बात कीजिए, समझे आप? अरे सुन जी, मैं वो जो नया टी सेट लाई हूँ ना, चाय उसमें सर्व करना जी। अच्छा यहाँ के फूल बदल देना, वो डाइनिंग टेबल के फूल भी बदल देना। वहाँ के भी अभी बदलने? नहीं कल बदलने हैं। स्टूपिड। अच्छा सुन, तू स्नैक्स सब रेडी रखना, मैं आके खुद सर्व करूंगी। ओके जस्ट टेक दिस प्लीज। मंजू इतनी सब तैयारियां किस लिए हैं? कौन आ रहा है? आ नहीं रहा, आ रही है वो, बताया ना वसुंधरा आ रही है। ओहो यस ऑफ कोर्स, योर ओल्ड फ्रेंड। मजाक मत करो, आई डोंट ट्रस्ट हर। मंजू इफ यू डोंट ट्रस्ट हर तो ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत है यार? वो आ ही रही है तो उसे इंप्रेस तो करना है ना, कहीं ये नहीं समझे कि मैं किसी भी मामले में कम हूँ। तुम तो किसी भी मामले में कम नहीं हो, बिल्कुल नहीं। Come on. मैं खोलूं? मैं खोलूं। गुड इवनिंग मैम। हाय मंजू। हाय वसुंधरा। Hi, welcome Vasundhara. Thank you. Meet my husband, Manu Viraj. Hi. What a handsome man, what a handshake. And of course I remember him. Reba ki party mein mile the na us din. Of course. Please sit down, Betty. Please, thank you. Wow, Manju. This is so perfect. Tumhara ghar kitna classy hai. Look at the curtains, look at the paintings. डेकोर, थैंक यू वसुंधरा। वैसे एक बात बताऊं, तुम्हारी चॉइस हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही है, सिर्फ चीजों में ही नहीं इंसानों में भी। लुक एट योर हस्बैंड, ही इज सच अ गुड लुकिंग मैन। वेल थैंक यू, आई शैल टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट। इट इज अ कॉम्प्लीमेंट सर। अच्छा पहले ये बताओ तुम क्या पियोगी, चाय या कुछ ठंडा? वो सब बाद में, पहले मुझे तुम अपनी सीक्रेट बताओ। कैसा सीक्रेट? द सीक्रेट ऑफ योर ब्यूटी, योर यूथ। अरे भाई कितने साल गुजर गए फिर भी तुम्हारे चेहरे पर उन सालों का एक शिकन तक नहीं। मैं तो कुछ भी नहीं करती, इनफैक्ट मैंने तो कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं। इसके बारे में नहीं सोचा है मगर कभी मॉडलिंग करने के बारे में सोचा? मॉडलिंग? सर अब आप ही बताइए कि हम क्या करें। सर हमारा भाई ऐसा नहीं है, उसने आज तक ऐसी कोई हरकत नहीं की है, वो तो उसकी थोड़ी बदकिस्मती है कि वो इस केस में फंस गया है। ये थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा बदकिस्मती की बात है, क्योंकि उसके कार से बहुत लोग जख्मी हुए, दे आर सीरियसली वांटेड, उनमें से किसी की जान जा सकती है, कोई अपाहिज हो सकता है। सर सर हम उन लोगों के इलाज का सारा खर्चा उठाने को तैयार है,
जो मुआवजा मांगेंगे देंगे, लेकिन प्लीज आप प्रतीक को छोड़ दीजिए। मिस्टर सुधीर, आप मामले की गंभीरता को नहीं समझ रहे। प्रतीक को छोड़ना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है सर? आए दिन अखबार में हम पढ़ते हैं कि बड़े बड़े फेमस लोग हिट एंड रन के केस में हजार रुपए देके छूट जाते हैं, फिर प्रतीक क्यों नहीं? तुम मुझे मत समझाओ कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। दो केसेस एक तरह के नहीं होते, और प्रतीक के मामले में खास तौर से नहीं हो सकता। लेकिन क्यों सर? क्योंकि जिस स्लम एरिया में एक्सीडेंट हुआ है उस जगह एविक्शन का कोर्ट ऑर्डर था। उस जगह पर बने सारे स्लम्स तोड़ने के ऑर्डर थे, लेकिन अपोजिशन पार्टी वाले कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर डेमोलिशन रुकवा दिए। अब चूंकि एक्सीडेंट उसी जगह हुआ है, अब उसे पॉलिटिकली रंग दिया जा रहा है कि अपोजिशन के सपोर्ट के खिलाफ ये स्लम वालों पर डेलिबरेटली किया गया एक हादसा है। लेकिन सर ये बात सच नहीं है। आई नो, लेकिन इसका फैसला अदालत में होगा, यहां नहीं। ये मामला अदालत में जाएगा ही, तब तक प्रतीक की रिहाई नहीं हो सकती। I'm not joking. Where there's a will, there's a way. और रास्ता मैं हूँ, वसुंधरा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं मॉडलिंग की एज क्रॉस कर चुकी हूँ। इनफैक्ट मॉडलिंग में तो इतनी भीड़ हो चुकी है कि अच्छे अच्छे मॉडल्स को आजकल काम नहीं मिलता। And there's no way. मैं काम ढूंढने के लिए लोगों के पास नहीं जाऊंगी। सुनो, काम मांगने की जरूरत क्यों है? You're not doing it for the money. You're doing it for a hobby. और वैसे भी एक बात बताओ, आजकल की लड़कियों के चेहरे पर वो तासीर नहीं है, they don't have the substance जो आज भी तुम्हारे चेहरे पर है। So what? Are you going to do it or not? नहीं नहीं। जवाब दो भाई, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं मॉडलिंग कैसे कर सकती हूँ? Come on, Manju, you can. Okay, if you feel I can do it, maybe I'll do it. But एक कंडीशन है, मैं ज्यादा काम नहीं करूंगी एंड आई विल वर्क ओनली फॉर वेरी एक्सक्लूसिव कैंपेन्स, दैट्स इट। एक्सक्यूज मी, डोंट यू थिंक आई डू एक्सक्लूसिव कैंपेन? बाय द वे, मैं तुम्हारे पास कोई ऐसी वैसी एड लेकर नहीं आऊंगी। यू आर टू क्लासी फॉर दैट बेबी। थैंक यू। वैसे एक बात बताऊं, आपने कभी मॉडलिंग के बारे में सोचा है? जी नहीं, मैंने कभी मॉडलिंग के बारे में नहीं सोचा। काफी खूबसूरत इंसान, यू कैन मेक अ गुड मॉडल, सूटिंग केयर कर सकते हैं। मैं जो कर रहा हूँ उसमें बहुत खुश हूँ मैं। थैंक्स। ओहो, एक बात बताऊँ, आई हैव हैड अ वंडरफुल इवनिंग, थैंक यू सो मच। आप दोनों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। आई मस्ट मेक मूव नाउ। It was so nice to see you. Nice to see you too, Manju. Bye. Bye. Bye, ma'am. Bye, bye. And think about the modeling. Yes, sir. See you. Come, I'll see you. What a performance, Aarti! Wow! Kya acting ki hai tumne? Great, man. What do you mean by acting, huh? Mummy ko to tum impress kar sakte ho. Mujhe nahi kar sakte. I know what you're up to. झूठा सॉरी बोलकर मम्मी को तुमने मना लिया, नहीं तो सारा सच खुल जाता। अगर सारा सच खुल जाता तो कोई बात नहीं। आई डोंट केयर। ओके, यू लर्न टू माइंड योर ओन बिजनेस, वरना मैं वरना क्या करोगी? मम्मी से मेरी शिकायत करोगी? माय गॉड, आई एम सो स्केयर्ड। बट वेट अ मिनट, तुम कहोगी क्या? मम्मा देखो ना, मिली कितनी ओबीडियंट है, कितनी पढ़ाई करती है, बिल्कुल फ्लर्टिंग नहीं करती। मिली, तुम्हें क्या लगता है तुम कोई दूध की धुली हो? हाँ, जिस स्टेज से आज मैं गुजर रही हूँ ना, कल तुम भी उसी स्टेज से गुजरोगी। मम्मी से तुम्हें तब कौन बचाएगा? फ्यूचर में जो होगा ना सो देखा जाएगा। प्रेजेंट में जो हो रहा है, अगर मैं चाहूं तो मम्मी को दिखा सकती हूँ। But don't worry, मैं सही वक्त का इंतजार करूंगी। So, wait for the rainy days, baby. तो जी महाराज, आप फोटो कंपटीशन के लिए
मेरी बेटी की तस्वीरें खींचना चाहते हैं। जी सर। क्यों? सर वो जो हाँ बताओ, प्रिया ही क्यों, और भी बहुत सी लड़की हैं। जी वो सब मैं जो और रहने दो महाराज, आप क्या बताएंगे, मैं ही बता देता हूं। हमारी रिया इसलिए क्योंकि हमारी बेटी लाखों में नहीं करोड़ों में, क्या करोड़ों में। ये शो यही तो रीजन है सर। अच्छा तो फिर तुम इसकी फोटो खींचोगे कहाँ? जी कहीं भी, अगर आप लोग भी साथ रहें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तब ठीक है, तब तो तुम इसकी फोटो खींच सकते हो। थैंक यू वेरी मच। लेकिन महाराज एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? देखिए सर मैं अभी कुछ पे नहीं कर पाऊंगा। नहीं, आपको उम्मीद है कि आप ये कंपटीशन जीतोगे? 100% उम्मीद है सर। तो जी जीत का आधा पैसा हमारा, आपकी 100% उम्मीद का 50%। 100% सर, इनाम का 50% आपका हुआ। तो जी हमारी बेटी भी आपकी हुई, सिर्फ फोटो खींचने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। माँ जी लीजिए, पानी पी लीजिए। रख दो, बाद में पी लूंगी। माँ जी प्रतीक के दो दो भाई हैं, वो उसे घर लेकर ही आएंगे, आप चिंता मत कीजिए। माँ जी भूषण भी काफी बड़े बड़े लोगों को जानता है, इसलिए वो प्रतीक को किसी भी तरह छुड़ा कर ले ही आएंगे। मुझे तो अभी यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब कुछ हुआ है। अरे प्रतीक ना तो शराब पीता है ना गाड़ी चलाता है तेज, पता नहीं ये हादसा कैसे हो गया। मुझे भी इसी बात की हैरानी। और भूषण और सुधीर ने मुझे ये भी नहीं बताया कि उन्होंने प्रतीक को दिवाली के दिन अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए गाड़ी और पैसे दिए थे। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे समझाती, तब शायद ये सब कुछ नहीं होता। जी होने को कौन टाल सकता है, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा ना। बस इस वक्त हम लोग सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं कि प्रतीक जल्दी से घर वापस लौट आए। ये लोग अभी तक प्रतीक को लेकर क्यों नहीं आए? पता नहीं माँ जी, शायद आ गए। क्या हुआ? क्या हुआ? प्रतीक कहाँ है? माँ, प्रतीक, माँ, माँ, माँ इधर। हाँ, लेकिन प्रतीक कहाँ है? वो क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ? कहाँ है वो? प्रतीक लॉकअप में है, पुलिस वाले छोड़ नहीं रहे। छोड़ नहीं रहे? लेकिन क्यों? क्यों नहीं छोड़ रहे? भूषण तुम बताते क्यों नहीं? हुआ क्या पुलिस स्टेशन में? सुधीर, सुधीर क्या हुआ? प्लीज बताए। वो पुलिस वाले छोड़ के नहीं रहे प्रतीक को, क्या हुआ? बदकिस्मती से प्रतीक ने जिन लोगों को कार एक्सीडेंट में घायल किया वो लोग एक स्लम एरिया से बिलोंग करते हैं। हाँ माँ, वो उन लोगों ने पुलिस स्टेशन का घेराव किया हुआ था, हम पर भी अटैक किया, वो केस कर रहे हैं प्रतीक पर। प्रतीक ने उन लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी? हाँ माँ, प्रतीक नशे में था। भगवान, अरे तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं? प्रतीक को छुड़ा कर क्यों नहीं लाते हो? मामला काफी कॉम्प्लिकेटेड है, आप पूरी बात को समझने की कोशिश तो कीजिए। लेकिन प्रतीक, क्या प्रतीक हमारा भाई नहीं है? क्या हमने उसे छुड़ाने की कोशिश नहीं की? यहाँ तक कि हमने उन्हें कंपनसेशन देने की भी बात की, मगर वो डीसीपी तैयार ही नहीं हुआ। लेकिन क्यों? क्योंकि ये एक्सीडेंट पॉलिटिकली यूज किया जा रहा है, वो ऑपोजिशन वाले उन जो उन गरीबों को सपोर्ट कर रहे हैं उसे रूलिंग पार्टी के चाल बता रहे हैं, और प्रतीक को रिहा नहीं होने देना चाहते। भगवान, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अचानक ये सब क्या हो गया? माँ जी आप धीरज रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ जी प्लीज रोइए मत, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, प्लीज आप रोइए मत। हाँ प्लीज, हाँ प्लीज, प्रतीक ने शराब के नशे में ये सब कुछ किया, लेकिन ये गंदी आदत उसे लगी कहां से? माहौल बिगड़ते देर नहीं लगती माँ जी, यहाँ की संगति का असर उस पर इतना बुरा पड़ा कि आज वो इस हालत में पहुंच गया है। अरे लेकिन उस पर किसका असर पड़ेगा? क्यों, यहाँ असर करने वाले क्या कम लोग हैं? अपनी मॉडर्न भाभी का असर उस पर इतना ज्यादा पड़ा कि वो शराब पीकर गाड़ी चलाने लगा। वेट वेट वेट, आप कहना क्या चाह रही हैं? कि टीना की वजह से प्रतीक बिगड़ा और शराब पीना सीखा, यही कहना चाह रही ना आप? बिल्कुल, हर वक्त वो टीना के इन्फ्लुएंस में रहता है, तो अगर ऐसा मैंने कहा भी तो क्या गलत कहा? भाभी अब हर बात का इल्जाम मुझ पे क्यों लगाना चाहती हो?
क्या मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं हूं? मैं क्यों प्रतीक को गलत रास्ते पे चलने की सलाह दूंगी? क्यों? तुम्हारे लिए जो बात सही है वो तो तुम दूसरों को बताओगी ही। छोटे कपड़े पहनना, पार्टियों में जाना, तुम्हारे लिए कोई गलत बात नहीं है। भाभी, अगर टीना का मॉडर्न लाइफस्टाइल है भी, तो इसका ये मतलब नहीं कि उसने प्रतीक को बहकाया है। आप लोग टीना पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे? तू अपनी बीवी की झूठी तरफदारी क्यों कर रहा है? मैं झूठी तरफदारी कर रहा हूँ? हाँ। अरे चोरों को सारे चोर ही नजर आते हैं। सुधीर, मैं कहता हूँ तमीज से बात कर। क्या गलत कर दिया मैंने? प्लीज स्टॉप इट। अरे खम अगर राय का पहाड़ बनाते रहते हैं, हमेशा टीना पर उंगली उठाना, ताने देना, व्हाट इज ऑल दिस? प्लीज तुम एक भी शब्द नहीं सुनोगे टीना के खिलाफ। चलो यहां से। बहुत हो गया। देखा माँ जी कैसी तरफदारी कर रहा था अपनी बीवी की? सुधीर चुप रहो तुम लोग। हाँ, मेरा बेटा जेल में पड़ा हुआ है और तुम लोग आपस में लड़ रहे हो। किसी को इतनी भी फिक्र है प्रतीक पे क्या गुजर रही होगी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। डीसीपी के मुताबिक प्रतीक को छुड़वाना बहुत मुश्किल होगा। देखो, ऐसे हिम्मत आने से भी कुछ नहीं होगा, ओके? वो स्लम वाले और उधर के पॉलिटिकल लोग इस छोटे से एक्सीडेंट को अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हैं। आई नो, लेकिन मेरी भी फ्रेंड्स काफी इन्फ्लुएंशियल है, जैसे मंजू, रेवा और नीलू। मैं नीलू को फोन करती हूँ, वो काफी पावरफुल लोगों को जानती है। आई जस्ट गिव हर अ कॉल। एक मिनट। हेलो नीलू, नीलू टीना, हाय। अच्छा सुनो नीलू, आई नीड योर हेल्प। मेरी फैमिली में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। क्यों, क्या हुआ? मेरे देवर है ना प्रतीक, ही इज बीन अरेस्टेड। रियली? बट व्हाई? वेल दे से दैट ही वाज ड्रंक और रैश ड्राइविंग की वजह से उसने कुछ स्लम डवेलर्स को चोटें पहुंचाई हैं। बट आई नो हिम वेरी वेल, ही कांट डू एनीथिंग लाइक दिस। पर हम कुछ नहीं कर सकते उसे, हम उसे छुड़ा नहीं पा रहे। इस पूरे सिचुएशन को एक पॉलिटिकल शेड दे दिया गया है। आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू नीलू, आई नीड योर हेल्प। लिसन, डोंट वरी टीना, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। देख, अगर मामला कोर्ट में पहुंचने से पहले सेटल कर लिया जाए तो बेटर है। या यू जस्ट रिलैक्स, ओके? थैंक्स नीलू, आई विल रियली बी ऑब्लाइज्ड। कम ऑन टीना, मैं फोन करके बताती हूँ क्या हुआ, ओके? थैंक्स नीलू, थैंक यू सो मच। देखो सुधीर, मैं नीलू को जानती हूँ, वो कुछ ना कुछ जरूर करेगी। यू डोंट वरी, ओके? प्रतीक जल्दी घर आ जाएगा। आई होप सो। सब ठीक हो जाएगा सुधीर, जस्ट रिलैक्स, ओके? किसी भी तरह से प्रतीक को छुड़वाना पड़ेगा जल्द से जल्द। पापा कभी भी दिल्ली से लौट सकते हैं, उन्हें पता चलेगा तो कितना सदमा पहुंचेगा। बिंदु, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। बिंदु, कमाल करती हो तुम, घर में इतनी टेंशन है तुम अखबार पढ़ रही हो। देखो भूषण, अगर टेंशन की जड़ को ही उखाड़ कर फेंक दिया जाए तो ऊपर की टेंशन अपने आप सूख कर खत्म हो जाएगी, जिस तरह बिना जड़ के एक पेड़ सूख जाता है ना? और हमारे फैमिली ट्री की सबसे बड़ी टेंशन की जड़ है टीना। ये हर बार साबित नहीं किया जा सकता कि टीना ही हर मुसीबत की जड़ है। किया जा सकता है, तुम पंचांग समझते हो ना? हर पंचांग में राशि होती है और राशि के ग्रह होते हैं जिसका असर अच्छा या बुरा होता है। और मैं ये साबित कर दूंगी कि टीना के ग्रह इतने बुरे हैं जिसका असर हमारे फैमिली के प्रॉब्लम से पड़ा है। पर ये साबित करोगी कैसे तुम? कुंडली से। कमाल करती हो, तुम भी कमाल करती हो। प्रतीक मुसीबत में है, तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। और तुम हो कि उसी के बारे में सोच रही हूं इनडायरेक्टली। जिसकी कुंडली में दोष हो अगर उसे ही घर से हटा दिया जाए तो इस घर का भाग्य अपने आप बदल जाएगा। दुश्मन को दुश्मन के दांव से मात देने का मजा ही कुछ और है।